नूह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार से इंडियन नेशनल लोकदल के शुरू हुई पद यात्रा का आज दूसरा दिन है, जहां काफिले के साथ अभय सिंह चौटाला के साथ सुनैना चौटाला भी नजर आई। यात्रा का जिले साकरस गांव में रात्रि विश्राम रहेगा। सुनैना चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में हालात खराब हैं, मेवात की सड़कों पर हम चल रहे हैं, यहाँ की सड़कें बहुत खराब हैं। उन्होंने कहा गुड़गांव की तर्ज पर मेवात का भी विकास होगा। इस सरकार से महंगाई के दौर में हर वर्ग परेशान है। सुनैना चौटाला ने बताया कि यह पद यात्रा हरियाणा में बदलाव लाएगी। जिन गांव में पद यात्रा गुजर रही है वहां पर फूल मालाएं गए पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया जा रहा है। लोग पद यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन यात्रा नूह जिले के सबसे बड़े गांव और ऐतिहासिक धरती सिंगार से शुरू हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा करीब 7 महीने तक हरियाणा में चलेगी, जो राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। इसका समापन 24 सितंबर को ऐतिहासिक धरती कुरुक्षेत्र में होगा। सिंगार गांव के राधा कृष्ण मंदिर, जहां पर महाभारत के युद्ध के बाद आकर श्री कृष्ण जी ने श्रृंगार किया था, उसी ऐतिहासिक पर पूजा अर्चना भी की। शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा तीनों में फेल है और आज हर एक वर्ग